दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज के फंडा को और बेल आइकॉन दबाइए जिससे आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का फंडा में। नॉलेज का फंडा चैनल में कंप्यूटर साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 7 को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद रोचक, बेहद उपयोगी और CCC या फिर O'Level या फिर किसी अन्य कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए बेहद अहम हो सकती है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, पूरा देखिए। मात्र 5 पॉइंट को मैंने कवर किया है जो कि आपके जानने के लिए बहुत रोचक और बहुत ही ज़्यादा जानकारी परक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा चैनल। तो चलिए पहले पॉइंट के शुरुआत करते हैं। मित्रों जैसा कि आप बहुत बार देखते होंगे कि आप सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते हैं, बहुत बार सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके मिल जाता है या फिर अपने दोस्तों, मित्रों इत्यादि लोगों से आपको सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में करके मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या इस तरीके से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना आपके लिए वैध है या फिर अवैध है? दोस्तों एक्चुअल में कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिटरेसी वर्क के अंतर्गत आता है, इसलिए कॉपीराइट सॉफ्टवेयर बिना ऑथर की आज्ञा के इस्तेमाल करना कानूनी गलत है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सॉफ्टवेयर प्राप्त करते हैं और उसको आप स्वयं से क्रैक करते हैं तो ऐसे केस में आप समझ जाइए कि आप एक प्रकार से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अनऑथराइज्ड तरीके से कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पूरी तरीके से अवैध है। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है उपयोग करने के लिए, उसको हम फ्रीवेयर कहते हैं। दोस्तों तो फ्रीवेयर कहने का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर बिना ऑथर की आज्ञा के इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हो जाता है तब यह पब्लिक डोमेन में आ जाता है और यह किसी भी प्रकार की उपयोग प्रतिबंधता से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑथर की आज्ञा के इस्तेमाल करने के लिए, मतलब बिना ऑथर की आज्ञा के, तो जब बिना ऑथर की आज्ञा के इस्तेमाल करने को आपको ये मिल जाता है तब ये पब्लिक डोमेन में आता है और पब्लिक डोमेन में यह तमाम प्रकार के प्रतिबंध से मुक्त हो जाता है और आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट उपयोग कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये किसी तरीके से लीगल नहीं है। लीगल होने का मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर रूप में मिला हो। फ्रीवेयर का मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि इंटरनेट या फिर किसी भी जगह पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम फ्रीवेयर कहते हैं। तो आप इस बात को आई थिंक जान गए होंगे कि कॉपीराइट एक्ट के तहत हम गलत कार्य करते हैं जब किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम ऐसे करते हैं एक्चुअल में वो कॉपीराइटेड है बट हम उसका उपयोग किसी भी तरीके से स्वयं कर लेते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों, आप गूगल का प्रयोग, याहू का प्रयोग, बिंग का प्रयोग सर्च इंजन के रूप में करते होंगे। दोस्तों सर्च इंजन के रूप में प्रयोग हम इन सब का करते तो हैं और हम किसी भी डेटा को डालते हैं, कोई भी आप इंक्वायरी डालते हैं और गूगल उन सभी इंक्वायरीज़ को तुरंत सर्च करके ले आके हमारे सामने रख देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन कैसे कार्य करता है? दोस्तों इसके लिए गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन के पास होते हैं स्पाइडर्स। स्पाइडर्स हम इनको कह सकते हैं या फिर हम उनको वेब क्राउलर्स बोलते हैं। तो दोस्तों जो वेब क्राउलर्स या फिर स्पाइडर्स होते हैं ये दिए गए कीवर्ड के आधार पर इंटरनेट पे मौजूद लिंक को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद स्पाइडर्स हर एक पेज पर जाके कंटेंट, ग्राफिक्स, लिंक्स इन सब का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद जो भी जानकारियाँ उनको प्राप्त होती हैं उन जानकारियों को, हर पेज से मिली हुई जानकारी को स्पाइडर्स एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद डेटाबेस की एक बड़ी सी सूची तैयार करते हैं और उस सूची को आपको ये रिजल्ट के रूप में सर्च इंजन को वापस लौटा देते हैं। तो दोस्तों आप गूगल पर सर्च करते होंगे तो आपको रिटर्न भी गूगल पर ही मिलता होगा, लेकिन उसके बीच में तमाम कार्य होते हैं, वेब क्राउलर जाते हैं, मतलब वेब क्राउलर को हम स्पाइडर्स बोलते हैं, तो स्पाइडर्स जाते हैं, तमाम लिंक की तलाश करते हैं, उस लिंक्स पर जो भी ग्राफिक्स, कंटेंट, लिंक्स मिलते हैं उनकी तलाश करके एक डेटाबेस तैयार करते हैं, उस डेटाबेस को लाकर ये सर्च इंजन को वापस देते हैं और सर्च इंजन हमको रिजल्ट के माध्यम से उन चीज़ों को दिखाता है। तो सर्च इंजन के माध्यम से आप इंटरनेट पर जानकारी को सर्च कर सकते हैं, यह आपको आपके द्वारा सर्च बॉक्स में टाइप किए गए शब्दों के अनुसार वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित जानकारियों में से उपयुक्त जानकारी आपको प्रदान करता है और इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं स्पाइडर्स। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करते हैं। आइए एक अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप चाहते होंगे बहुत बार ऐसा हो कि आपका सिम कार्ड किसी अन्य मोबाइल में न चल पाए, तो हाँ बिल्कुल
आप अपने सिम कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सिम पिन। तो सिम पिन लगाकर आप अपने सिम की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं ताकि वह किसी अन्य डिवाइस में आपकी अनुमति के बिना प्रयोग में न लाया जा सके। सिम कार्ड लॉक लगाने के लिए डिफ़ॉल्ट सिम पिन को बदलना पड़ता है और उस सिम पिन को जगह पे आप अपना स्वयं का सिम पिन डाल सकते हैं। अधिकांशतः जो डिफ़ॉल्ट सिम पिन होते हैं वह 1, 2, 3, 4 या फिर 4 times 0 हो सकते हैं। तो आप इन सिम पिन्स का प्रयोग करके उनको चेंज करके डिफ़ॉल्ट को हटाकर आप अपना सिम पिन लगा सकते हैं, जिसके बाद उस सिम कार्ड का प्रयोग किसी अन्य डिवाइस में नहीं किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग तो बिल्कुल करते होंगे, जरूर करते होंगे। ब्लूटूथ डेटा को शेयर करने के लिए, फाइल को शेयर करने के लिए FTP मतलब कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है और बहुत ही उपयोगी माध्यम है। दोस्तों जब अपने पास वाईफाई नहीं था, शेयरिट नहीं था, हॉटस्पॉट के थ्रू जब डेटा शेयरिंग नहीं होती थी तो हमारे पास ब्लूटूथ हुआ करता था। आज भी ब्लूटूथ है, हम आज भी उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो अपना ईयरफोन प्ले करने के लिए या फिर मोबाइल टू मोबाइल डेटा को शेयर करने के लिए। तमाम ऐसे कार्य हैं जिसमें हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। मित्रों आपको पता है कि ब्लूटूथ तकनीकी विभिन्न डिवाइस में एक नेटवर्क में जोड़ती है? हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन इसका आविष्कार कब किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था 1994 में। और इससे भी रोचक बात है कि इसका नाम कैसे पड़ा, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ का नाम एक्चुअल में डेनमार्क के किंग हैं, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, इनके नाम पे पड़ा था। और जिन्होंने क्या काम किया था, डेनमार्क के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में इंटीग्रेट किया था किंग हेराल्ड ब्लूटूथ ने। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह एक स्कैंडिनेवियन भाषा में लिखा गया शब्द है और जिसमें उसी राजा के नाम के पहले अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर भली भांति देख पा रहे होंगे कि स्कैंडिनेवियन भाषा में एच को इस तरीके से लिखते हैं एंड बी को इस तरीके से लिखते हैं, तो एच और बी मिलकर यहाँ पर ब्लूटूथ का चिन्ह बनाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी रोचक जानकारी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी जानकारी पर। दोस्तों मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आज के समय में सभी लोग करते हैं और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है मोबाइल फ़ोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में जुलाई 1995 से पहले कोई भी मोबाइल कॉल नहीं की गई थी? और उस टाइम पर जब मोबाइल कॉल की गई तो उसका चार्ज 16 रुपये प्रति मिनट और रिसीव करने का चार्ज 8 रुपये प्रति मिनट था। तो काफ़ी ज़्यादा था दोस्तों। अगर आज के समय में ये बात होती तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर बात करना बहुत कम कर देता। तो ऐसे केसेस में ये तो रही मोबाइल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपने इन जानकारियों को एंजॉय किया होगा और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करेंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए। और दोस्तों अगर आपकी कोई इंक्वायरीज हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और आपके ज्ञानवर्धन में मैं बिल्कुल मदद करूँगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।